नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की है। तस्वीर देखिए किस तरीके से इस बैठक में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे और उन सभी की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया कि 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा। यानी कि फिलहाल इस अवधि को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी अवधि को बढ़ाया गया है। अब ऐसे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। देखिए, अगर हम दुकानों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो दुकानें हैं वह सुबह 6 बजे से लेकर के दिन के 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही दुकानें जो हैं खुली रहेंगी। वो भी कौन सी दुकानें? दूध की दुकानें, फल की दुकानें, सब्जी की दुकानें, मीट मछली की दुकानें और किराना की दुकान। बस यही दुकानें जो हैं सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेंगी। शादी ब्याह समारोह के बारे में आपको पता ही है, सीमित व्यक्तियों की संख्या रहेगी। शादी में भी महज 20 व्यक्ति मौजूद रहेंगे। और जो बदलाव किए गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तस्वीर देखी किस तरह के साथ जो बैठक की है, इसमें साफ साफ जो बातें छन के आई हैं। अब से थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जो उर्वरक और बीज की दुकानें हैं, कृषि यंत्रों से संबंधित जो दुकानें हैं, वो भी अब हर दिन खुल सकेंगी सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। पहले जो दुकानें हैं वो सिर्फ सप्ताह में 2 दिन ही खुलती थीं, गुरुवार को और सोमवार को। लेकिन अब जो कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें हैं, खाद की दुकानें हैं, बीज की दुकानें जहाँ पर खाद और बीज मिलते हैं, वो दुकानें भी अब सप्ताह में 7 दिन खुल सकती हैं सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक। वहीं जो हर ज़िले के DM और SSP हैं उनके साथ भी बैठक की गई है। बताया गया है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार हुआ है, अपेक्षित सुधार हुआ है। सभी DM और SSP के साथ बैठक की गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात की समीक्षा की है, गहरी समीक्षा की है। डॉक्टर्स की ओर से जो फीडबैक निकल के आया है, DM SP की ओर से जो फीडबैक निकल के आया है, ये काफ़ी ही अच्छा रिजल्ट रहा, काफ़ी ही अच्छा परिणाम रहा इस लॉकडाउन का। बिहार में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे आया और पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट गई। बिहार के अगर हम रिकवरी दर की बात करें तो 93% से अधिक का रिकवरी दर है। तो जो तमाम जिलाधिकारी हैं, जो तमाम पुलिस अधीक्षक हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में सख्ती को बढ़ा सकते हैं। हालांकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उससे ऊपर आप जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हालात को देखते हुए इस बात को कहा गया है, ये आदेश दिया गया है। सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को ये आदेश दिया गया है कि हालात होते हुए, हालांकि अब जब ज़िलों की बात करें तो कई ज़िलों में आंकड़े काफ़ी नीचे तक आए हैं। जहानाबाद की बात करें, अरवल की बात करें या फिर नालंदा की बात करें, राजधानी पटना में भी आंकड़े काफ़ी गिरे हैं, संक्रमित मरीजों के आंकड़े काफ़ी गिरे हैं, स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में ये 2 बदलाव ही किए गए हैं, बाकी तमाम जो आदेश हैं जैसे पहले थे, जो पहले आदेश दिए गए थे वैसे ही आगे भी वो आदेश लागू रहेगा। तो सख्ती बढ़ी रहेगी, लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। फिलहाल आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।